Hello everybody, how are you? Welcome to the NEET Whisperer series for the revision of NEET exam, which is in the very few days. I hope you are doing good and things are more and less revised and covered and you are practicing questions. So, kal humne cover kiya tha mechanical properties of solids, theek hai? Usme humne Young's modulus, bulk modulus aur shear stress, shear strain, sab cheezon ke baare mein padha tha. Aur humne kuch questions kiye the uske. आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, ठीक है? तो फ्लूइड्स क्या होते हैं पहले तो समझ लेते हैं. फ्लूइड्स वो सब फ्लूइड्स जैसे लिक्विड हुआ और जो एयर हुए, ये दोनों चीजों को फ्लूइड्स में काउंट किया जाता है, ठीक है? लिक्विड और एयर जो है ये गैसेस को भी इनफैक्ट फ्लूइड के में ही काउंट किया जाता है, ठीक है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो यूजुअली देखो हम वैसे लिक्विड को ही फ्लूइड बोलते हैं, बट इसमें जो मोस्टली सब चीजें हैं वो जैसे वाटर की वजह से भी प्रेशर लगता है, वैसे एयर कॉलम की वजह से भी प्रेशर डेवलप होता है. तो दीज थिंग्स बोथ आर काउंटेड एज फ्लूइड्स ओनली. नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रेशर. अच्छा, प्रेशर क्या होता है? बेसिकली घर में तो हम कैसे बोलते हैं कि द वाटर इज कमिंग विद वेरी हाई प्रेशर, मतलब उसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है. या फिर हम बोलते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा माउंटेन्स पे चले जाते हैं तो लो प्रेशर होता है. तो किसका लो प्रेशर होता है? एयर कॉलम का लो प्रेशर होता है. या फिर बहुत ज्यादा डीप सी में चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वाटर कॉलम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएटली हमारे को प्रिपेयर करना पड़ता है. तो प्रेशर वैसे सच है क्या? बेसिकली जब हम डीप सी के अंदर है तो हमारे ऊपर जितना भी वाटर का कॉलम है वो हम पे फोर्स लगाता है, बिकॉज दैट हैज अ मास, दैट हैज सम डेंसिटी, सो दैट पुशेस अस, ओके? तो हमको पुश करके वो उसको फोर्स लगाता है. इस चीज को अगर हम समझे तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? प्रेशर क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी चीज है, वैसे हमने क्लास 9 में भी पढ़ी है कई बार. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके? सो दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, ओके? आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द प्रेशर एट हाफ द अच्छा, हम प्रेशर निकालते कैसे? बेसिकली किसी वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर निकाल लेते. पहले प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, ठीक है? तो सपोज मेरे पास कोई ये कुछ पॉइंट है, ठीक है? और अगर मैं इसको इधर देखना चाहूँ, ये एच डेप्थ पर है और इस वाटर की जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है? तो मुझे पता है, मेरे को फॉर्मूला क्या होता है, मेरे लिए प्रेशर का जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? रो जी इंटू एच, ओके? प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? रो जी इंटू एच, ओके? वो हमने कैसे निकाली है वो हम फिगर आउट कर लेते हैं. सपोज ये वाटर कॉलम है, सॉरी, सपोज ये वाटर कॉलम है, ठीक है? लेट्स से कि ये किसी एच हाइट का है जो कि हमने डायग्राम में बना भी रखा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा इसका? मास हो जाएगा इसका डेंसिटी इनटू हाइट इनटू ये क्रॉस सेक्शन एरिया. लेट्स से कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, कौन सा वाला? ये वाला. तो मैं बेसिकली ये लिख देंगे, ये अपन ने कैसे लिखा है, दिस इज द एच इंटू ए. क्या है H into K, A क्या है हमारे लिए? वॉल्यूम है, ठीक है? वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम. और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम. तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा. तो फोर्स कितना लगाएगा? ये mg लगाएगा, यानी कि रो जी एच इंटू ए लगाएगा. तो प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी रो जी इंटू एच. सो अगर हम लिक्विड के किसी एच डेप्थ पर है, मतलब अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर जो लिक्विड के कॉलम की जो हाइट है वो एच है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? रो जी इनटू एच होता है, ओके? ये हमने डिराइव कर लिया. हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक. तो बेसिकली सपोज लेक को ऐसे नहीं बनाते हैं, लेक को कुछ ऐसे बनाते हैं. सपोज ये कोई लेक है और ये लेक का बॉटम है, ठीक है? अब
ये लेक की हाइट है एच, है ना, और हाफ ऑफ द हाइट लेक की क्या है, ये है, ठीक है, एच बाय टू। तो बोल रहा इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल है 1/4 ऑफ द, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो लेट्स से वाटर की जो डेंसिटी है वो रो है, तो अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर एट दिस पॉइंट एट हाफ द डेप्थ विच इज बेसिकली रो जी इन टू एच बाई टू इज 1/4 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, है ना, बॉटम ऑफ द लेक। तो अपने इस फुल देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, तो बेसिकली बॉटम ऑफ द लेक पे कितना प्रेशर हो जाएगा, रो जी इंटू एच हो जाएगा, है ना। और इसका तो बेसिकली अपने बोल रहे बॉटम का 1/4 इज इक्वल टू रो जी एच बाय टू, ठीक है। बॉटम का 1/4 अपने पास क्या हो गया है, बेसिकली रो जी इंटू एच बाय टू। द प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 1/4 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, ओके। बेसिकली हाफ ऑफ द लेक पे प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है। और बेसिकली अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एक्चुअली में जो हमारे पास प्रेशर होता है ना किसी पॉइंट पर, वो क्या होता है, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पे कितना होगा, पी नॉट प्लस रोजी एच बाय टू, और ये कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रोजी एच। तो अपने पास जो, एक सेकेंड, रोजी एच बाय टू प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रोजी एच प्लस पी नॉट, ओके। सो दिस इज रोजी एच बाय टू इज इक्वल टू, ये जो अपने पास टोटल चीज हो जाएगी, रोजी एच बाय फोर हो जाएगी प्लस पी नॉट बाय फोर जाएगी, और ये इधर ये पी नॉट भी आएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा, दिस वुड बी पी नॉट प्लस रो जी एच बाय टू प्लस रो जी इज इक्वल टू रो जी एच बाय फोर प्लस पी नॉट बाय फोर, ठीक है। तो एक काम करो, आई थिंक देयर सम मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार हम इसको एंड में कवर करते हैं ना, क्योंकि इससे इक्वेशंस नहीं बन रही है, वी विल चेक इट इन द एंड, तब तक हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे के, वी विल स्किप दिस फॉर द टाइम बीइंग, वी विल चेक दिस क्वेश्चन इन द एंड, हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अ यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। बेस ऑफ द वेसल, लिक्विड के बेस पे कितना फोर्स लगने वाला है, तो तुम हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारे लिए, फोर्स जो होता है वो प्रेशर इनटू एरिया होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकाले, तो हमने जो प्रेशर निकाला था वो हमने देखा था कि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना कॉलम की फ्लूइड है। तो इट डजेंट मैटर कि फ्लूइड कैसे शेप, फ्लूइड ने कैसे शेप ले रखी है, टेपर शेप ले रखी है या ब्रॉड शेप ले रखी है, सिलेंड्रिकल शेप ले रखी है, इट डजेंट मैटर। हमारे लिए मैटर क्या करता है, प्रेशर निकालने के लिए उस पर कितना डेप्थ है टॉप सरफेस से। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो रो जी एच हो जाएगा। तो रो जी एच कितना है, रो इनटू, अच्छा रो जी एच को अपन रो जी एच लिख देते हैं, एच की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बॉटम सरफेस पे हो जाएगा रो जी एच इनटू इसका एरिया, दिस येलो एरिया। अच्छा अब ये येलो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और बेसिकली येलो एरिया क्वेश्चन में गिवन ही अपने को, ए ही दे रखा है। तो अपने को जो फोर्स लिखना है वो कितना हो जाएगा, रो, वाटर की डेंसिटी होगी 1000 जी इंटू एच, एच अपने को 0.9 देगा, इंटू एरिया, तो 4 × 10⁻³। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 36, ओके, 36 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे तो आंसर में 36 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जी की वैल्यू इन्होंने 10 की जगह 9.8 ली होगी, तो इससे बेसिकली जो 36 से आया है आंसर उससे थोड़ा सा कम आएगा, तो हम इसको 35 को टिक कर देंगे, ठीक है, ओके। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड।
ये मैं 35 को टिक क्यों किया, क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 रखी तो आंसर 36 आया। बट अगर जी की वैल्यू 9.8 रखते 10 की जगह, थोड़ी सी कम वैल्यू रखते जी की, तो 36 से थोड़ा सा कम आंसर आता। तो वो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। ओके आगे बढ़ जाते। इन अ विंड टनल एक्सपेरिमेंट द प्रेशर ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग्स आर, बेसिकली विंग्स है, कोई विंग है, इसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे प्रेशर दे रखा है, ठीक है। तो इधर कितना है, 5 × 10⁵ पास्कल है, और ये कितना होगा, 10 × 10⁵ पास्कल है। द एरिया ऑफ द विंग इज बेसिकली 80 मीटर स्क्वायर। ओके एरिया ऑफ द विंग इज 80 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, नेट लिफ्टिंग फोर्स फॉर द विंग। अच्छा अगर इधर प्रेशर कुछ है, अगर लेट्स से ऊपर कुछ प्रेशर P1 है, तो इधर फोर्स कितना लगाएगा, ये प्रेशर P1 × A इस तरफ लगाएगा, इधर कुछ प्रेशर P2 है नीचे की तरफ, तो ये कितना फोर्स लगाएगा, P2 × A लगाएगा। तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, P2 − P1 × A। इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा बस, P2 − P1 × A। तो फोर्स कितना हो गया मेरे पास, P2 − P1, यानी कि 10 × 10⁵ − 5 × 10⁵ × एरिया। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 5 × 10⁵ × 80, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 400 × 10⁵। 400 × 10⁵ को क्या मिल सकते, 4 × 10⁵। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 10⁵ की फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 4 × 10⁵। ओके आई होप इट इज क्लियर। मैं ज़ूम करके चल रही हूँ कि क्लियर है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ। अच्छा इट स्टेट्स दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज सेम, ठीक है। द इंक्रीज इन द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, पहले हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये वाला। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई लिक्विड है, अगर मैंने बाय सम मींस इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया, लेट्स से बाय डेल्टा पी, तो डेल्टा पी से इंक्रीज कर दिया, तो हर पॉइंट का जो प्रेशर है ना वो डेल्टा पी से इंक्रीज हो जाएगा। हर पॉइंट का जो प्रेशर है वो बेसिकली डेल्टा पी से इंक्रीज हो जाएगा। ओके ये कहना चाह रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट था, ठीक है, और किसी वजह से लेट्स से पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो गया है ना, तो हर पॉइंट पे प्रेशर डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा। ये पास्कल्स लॉ स्टेट। ओके दिस इज व्हाट पास्कल्स लॉ स्टेट्स। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो अगर कोई पॉइंट है, अब ये तब है जब ग्रेविटी पिक्चर में है, ठीक है, ये चीजें तब है जब ग्रेविटी पिक्चर में। लेट्स से कोई पॉइंट है P1, फिर से क्लियर नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। लेट्स से कोई पॉइंट है P1 और लेट्स से कोई पॉइंट है P2, ठीक है, कोई पॉइंट है P1 और कोई पॉइंट है P2, इन दोनों के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो h है, ठीक है, इन दोनों के बीच के पॉइंट में जो हाइट डिफरेंस है वो कितना है, h है अपने लिए। तो वो बोल रहे हैं कि नीचे जाते जाते तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पहली बात तो वो ये बोलना चाह रहे हैं, और वो होता भी है। हम क्या होता है, हम जब ओशन में नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास, हमारे लिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली P2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन P1। नीचे जाने में प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना नीचे जाते हैं उतना ही मेरे लिए वाटर कॉलम का हाइट बढ़ता जाता है मेरे ऊपर, उस वाटर कॉलम का वेट बढ़ता जाता है मेरे लिए, और वो ज्यादा ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने लग जाता है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली तो हमारे लिए कैसा है, एक काम करते हैं, जैसे पहले डेरिवेशन किया था वैसे ही करना है। ये हमारे लिए कोई वाटर कॉलम है, ठीक है, दिस इज सम वाटर कॉलम फॉर अस। इसपे ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है और नीचे जो प्रेशर है P2 है, तो इस वाटर कॉलम की FVD बनाते हैं, ठीक है। तो इस इधर की तरफ इस पे P1A लग रहा होगा, इधर की तरफ इस पे P2A लग रहा होगा, और एक इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। इसका खुद का वेट कितना होता है, बेसिकली ये वाला वेट, अगर ये वाला वेट देखोगे तो इसकी अगर डेंसिटी रो है,
और इसकी हाइट एच है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा नीचे की तरफ। अब ये पूरा का पूरा वाटर कॉलम है वो इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पर है, तो बेसिकली मेरे लिए क्या चीज हो जाएगी, पी वन ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी टू ए, तो एम जी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन ए, एम जी की वैल्यू रखो, रो ए एच इंटू जी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन इंटू ए, ए से ए कैंसिल कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच। तो बेसिकली दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है उन दोनों पॉइंट्स में के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी है। अगर अगर ये बॉडी इसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन होता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन होता, एक पॉइंट ये होता और एक पॉइंट ये होता, और इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल हाइट है वो अभी भी एच ही है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता ना पी टू माइनस पी वन, वो अभी भी रो जी एच ही होता, डजेंट मैटर कि वो पॉइंट कितने डिस्प्लेस है, हम क्या देखते हैं उन दोनों के बीच का बस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हमें किससे मतलब है, उन दोनों के बीच के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, मतलब नॉट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल हाइट डिफरेंस से जितना है उससे मतलब है। ओके नेक्स्ट है, फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ओके बेसिकली अगर इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर पी नॉट है और ये कोई डेप्थ है एच, तो बेसिकली यहां पे प्रेशर पी नॉट था और यहां पे प्रेशर पी है, ओके तो वही लिखते हैं पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है तो पी टू की वैल्यू कितनी है, पी है, और पी वन कितना है, पी नॉट है इज इक्वल टू रो जी एच, तो पी कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बेसिकली अगर ऊपर कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर और एच डेप्थ नीचे चले गए तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा पिक्चर में, रो जी एच नीचे जाने की वजह से रो जी एच तो रहेगा ही पिक्चर में, पी नॉट प्लस रो जी एच एज ए होल टोटल हो जाएगा। ओके अब हमारे पास क्या है, ये एक स्टेशनरी फ्लूइड है, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। अब ये क्या बोल रहा है, बेसिकली ये कोई पॉइंट है मेरे लिए, विच वन, दिस वन, और ये वाला एक पॉइंट है, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है, वर्टिकल हाइट का डिफरेंस कितना है, रो जी एच, सॉरी एच है, तो अपने पास प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो जी एच के बराबर हो जाएगा। अगर हम सी और बी को देखें, अगर हम सी और बी को देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये दोनों सेम ही वर्टिकल हाइट पर है, इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस जीरो है, तो इधर क्या है, इस वाले केस में क्या है, एच जो हाइट डिफरेंस है वो जीरो है, तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। ओके ये हम अभी तक पढ़ रहे थे। अब हमारे पास कैसा है, ये कोई एक्सीलरेटेड फ्लूइड है, ये वाला जो केस है हमारे पास स्टेशनरी फ्लूइड था, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एक एक्सीलरेटेड फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। अभी एक्सीलरेटेड फ्लूइड में क्या हो रहा है, बेसिकली देखो हमने बोला था कि वर्टिकल हाइट, एक सेकेंड, हमने बोला था कि वर्टिकल हाइट डिफरेंस है तो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, जिसको बोलते हैं अपन रो जी एच। अगर वर्टिकल हाइट डिफरेंस है तो एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रो जी एच। अब बेसिकली ये प्रेशर डिफरेंस किसके लिए आ रहा है, बेसिकली जो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ऊपर वाले वाटर कॉलम ने कुछ ना कुछ फोर्स लगा रखा है, और वो क्यों लगा रखा है, उसके वेट की वजह से लगा रखा है, करेक्ट, इसलिए। बट जब हमारे पास एक्सीलरेटेड हो जाता है तो अगर मैं इस वाले हॉरिजॉन्टल वाटर कॉलम को भी देखूं तो बेसिकली इसमें भी एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू ए लगेगा, तो क्या इन दोनों पॉइंट में भी प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, यस आ जाएगा, क्योंकि पहले जी ऐसे था तो वर्टिकल हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, बट अभी हॉरिजॉन्टल में भी एक एक्सीलरेशन आ गया है, उस एक्सीलरेशन की वजह से कुछ प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा ऑन द सेम लाइन जब जी की वजह से प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो ये दो लाइन है, इनमें भी कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा हमारे लिए, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अच्छा ज्यादा किसका होगा, ज्यादा कौन सा वाला होता है, देखो इस वाले केस में जब हम एक्सीलरेशन के अलोंग होते हैं तो हमारे पास ज्यादा फोर्स होता है, हमारे पास बेसिकली एम जी लग किस तरफ रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये वाला हायर प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा जब हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट होगा तो एम ए किस तरफ लगेगा, एम ए इस तरफ लगेगा, तो ये वाला क्या होता है, ये वाला हायर प्रेशर
होता है और ये वाला लोअर होता है, ठीक है। तो मेरे लिए सी और बी में से कौन ज्यादा प्रेशर होगा? सी होगा, और वो कितना हो जाएगा? पी सी माइनस पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट डिफरेंस एच था, यहाँ पे हाइट डिफरेंस एच था, यहाँ पे ये लेंथ डिफरेंस कितना एल है, तो एच की जगह क्या लिख दिया? एल लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही है रो एंड रो, और अभी जी की जगह क्या लिख दिया? ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरेशन कितना है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? एम में लग रहा है। जैसे इधर एम जी लग रहा था तो यहाँ पे कितना लग रहा है? एम ए लग रहा है, तो जी की जगह अपन लिख दिया ए। तो अपने पास पीसी माइनस पीवी हो गया एल रो ए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये वाला जो वाटर कॉलम था ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ था, ठीक है। ये वाला जो कंटेनर था पूरा का पूरा फिल्ड था। अगर कंटेनर हाफ फिल्ड होता है तो होता क्या है? बेसिकली कंटेनर हाफ फिल्ड होता है तो होता क्या है? अच्छा, क्या आप लोग ये बात देख पा रहे हो कि अगर जब मेरे पास फोर्स, एक सेकेंड, जब मेरे पास फोर्स कुछ ऐसा होता है mg, तो जो मेरी सरफेस होती है वो mg के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली सरफेस क्या होती है? सरफेस इज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, ठीक है। सरफेस क्या है? बेसिकली नेट फोर्स के परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखो जब ये वाला जब केस आता है हमारे पास, तो इसमें ना देखो ये तो रेस्ट पर है, बट इस तरह क्या ये एक्सीलरेटेड है। तो इस अगर किसी वाटर मॉलिक्यूल पे देखेंगे तो दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है, और एक इस तरफ क्या लग रहा होगा? ma लग रहा होगा। और उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और जो हमारा सरफेस होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। बेसिकली जब ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स निकला है तो सरफेस क्या हो जाएगा? ऐसी शेप मिलेगा। और आप कभी देखना भी ऐसा कोई बड़ा सा कंटेनर है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड करके आगे बढ़ा तो वो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सरफेस हमारा ऐसे शेप लेता है। सरफेस जो होता है वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली सरफेस ने क्या किया? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो इस वाले ट्राइंगल में अगर अपन जरा देखें, ये एंगल अगर थीटा है, दिख नहीं रहा सबसे, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा एम ए ओवर एम जी हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ए ओवर जी हो जाएगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वाटर सरफेस का। और अभी बेसिकली हुआ क्या है, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये इसका मीन लेवल था। इस मीन लेवल से इधर की तरफ वाटर एच ऊपर चला गया है और इधर की तरफ वाटर एच नीचे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ट्राइंगल बनाओ ये वाला, ठीक है, बेसिकली अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊ ये वाला, ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी है? l है, ठीक है। ये एंगल इसमें थीटा है, तो अगर मैं ध्यान से देखू तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 2h ओवर l हो जाएगा। दिख रहा है डायग्राम में? टेन थीटा दिख रहा है, 2h ओवर l। तो बेसिकली डायग्रामेटिकली भी देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये अपने लिए क्या है। इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा है वो कितना है? 2h ओवर l, क्योंकि ये h हाइट है, ये भी h हाइट है, ठीक है। तो टेन थीटा इज 2h ओवर l। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है? हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है बेसिकली? पहले देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब बेसिकली किसी सामान को लिफ्ट करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अपने लिए क्या है कि ये एक यूट्यूब है, बट इस यूट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है, इधर कम है और इधर की तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो बस एक ट्यूब जैसा कुछ है, बट इसका क्रॉस सेक्शन, इस हैंड का क्रॉस सेक्शन कम है और इस हैंड का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो, अगर टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ फ्लूइड, देन
पी टू माइनस पी वन इज जीरो। बेसिकली उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने की वजह से उनमें हाइट डिफरेंस जीरो है। तो पी टू माइनस पी वन मेरे लिए क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, अगर मैं ध्यान से देखू, एक सेकेंड, अगर मैं ध्यान से देखू तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये वाटर लेवल कुछ था पहले, ठीक है। अब मैंने इधर की तरफ कुछ वेट रख, इधर की तरफ मैंने कुछ फोर्स लगाया, और बेसिकली आप यू कह सकते हो कि इधर की तरफ मैंने कुछ वेट रखा पहले, तो बेसिकली ये वाला वाटर कॉलम नीचे जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है ऊपर से। अभी वाटर कॉलम वाटर है जो इनकम्प्रेसिबल है, तो बेसिकली अगर ये नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो लेट्स से कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि इन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस है ना, हाइट डिफरेंस वो कितना आ गया, लेट्स से एच आ गया। तो ये वाले वाटर लेवल में और ये वाले वाटर लेवल में जो हाइट डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया मेरे लिए? एच आ गया, ठीक है। तो अब जब ये एच आ गया है मेरे लिए, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेसिकली इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ठीक है। क्योंकि जब प्रेशर डिफरेंस जीरो है तो बेसिकली दोनों में प्रेशर बराबर है, क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो ये प्रेशर प्लस ये वाटर कॉलम का प्रेशर। तो इधर प्रेशर कितना है? एफ अपॉन स्मॉल ए, क्योंकि एफ फोर्स लगाया और एक स्मॉल ए को एरिया को प्रेस किया, तो एफ अपॉन ए प्लस रो जी एच। तो एफ अपॉन ए तो इस सरफेस की प्रेशर है, और ये जो हाइट है मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी यहाँ पे, एक सेकेंड ना, ये गलत लिख दिया है, रो जी एच, ये इस वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर है, ठीक है। तो ये इस वाले पॉइंट का प्रेशर होगा। अगर इस वाले प्रेशर इधर पे देखें तो इधर क्या होगा? डब्ल्यू डिवाइड बाई ए, ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए। तो इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो डब्ल्यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू पी बाई ए प्लस रो जी एच, ओके। तो अगर मैंने कुछ फोर्स स्मॉल ये एफ लगाया, ठीक है, तो बेसिकली मैं इस डब्ल्यू वेट को लिफ्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक छोटा फोर्स लगाया और ये वाटर कॉलम के प्रेशर उसमें ऐड हो गया, तो मैंने एक बड़े वेट को लिफ्ट कर पाई। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अगर हम इसको ऐसे देखें तो बेसिकली मैंने इधर F1 फोर्स लगाया तो मुझे इधर F2 फोर्स मिलता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है किसी बॉडी पे, F2 फोर्स लगाता है। तो क्या F1 अपॉन A प्लस रो जी एच इज इक्वल टू F2 अपॉन A हो जाएगा? तो बेसिकली मैंने इनपुट फोर्स दिया F, ठीक है, इनपुट फोर्स दिया F और मुझे एक बड़ा आउटपुट फोर्स मिल गया, ठीक है। इनपुट फोर्स दिया मैंने F1 और एक मुझे बड़ा आउटपुट फोर्स मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं कम फोर्स लगा के एक ज्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज जैसे मुझे लिफ्ट करना है तो मुझे 10 kg वेट को लिफ्ट करने के लिए 10 g न्यूटन फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे F1 फोर्स को लिफ्ट करने के लिए, F1 वेट को लिफ्ट करने के लिए F1 फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 को लिफ्ट करने के लिए F2 फोर्स लगाना पड़ेगा। वो हो जाएगा कुछ छोटे फोर्स से भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि जो वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो चीजों को बैलेंस आउट कर लेता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट आर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू पिस्टन्स इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट आर 800 सेंटीमीटर एंड 1000 रेस्ट, ओके, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, ओके। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ 5000 kg न्यूटन, बेसिकली इसका वेट कितना है, 5000 kg इनटू वेट है, ठीक है। तो 5000 kg का जो वेट होता है उतना वेट होगा इसका, ठीक है। तो बेसिकली 5000 g हो जाएगा, ओके, यानी कि 50 इंटू 1000 यानी कि 50 किलो न्यूटन फोर्स। इतने को लिफ्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतने को लिफ्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं
अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर दोनों सेम लेवल पे अगर रखे हुए हैं बाय मतलब बेसिकली इसको लिफ्ट करना है, बेसिकली इनको जस्ट सेम लेवल पे रखे हुए हैं, इसको जस्ट थोड़ा सा इससे ऊपर लेके जाना है, तो लिमिटिंग केस क्या होगी, मिनिमम फोर्स क्या होगा कि बस वो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को जस्ट बैलेंस कर रहा हो, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को जस्ट बैलेंस करेगा, तो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर को बराबर कर देंगे, क्योंकि ये जस्ट सेम लेवल पर है। तो हम यहाँ पे जैसे फोर्स एफ लगाते हैं, तो एफ डिवाइड बाय 100 जो हो जाएगा वो 50 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 800 हो जाएगा, ठीक है। एफ डिवाइड बाय जो 100 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 800। अच्छा इधर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा 50, अच्छा हम लोग किलो न्यूटन में निकालना है, तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा ये अपने पास। इससे अपना कौन सा आंसर आ सकता है, इससे अपना जो आंसर आता है वो ऑप्शन डी आंसर निकल के आ जाएगा। एक सेकंड अपन ध्यान से देख लेते हैं, अगर 50 को 2 टाइम्स में 2500 फिर 12.5, हाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ओके। क्योंकि बेसिकली किलो न्यूटन में निकालना है ना अपने को, बेसिकली अपने किलो न्यूटन में निकालना, तो 50 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 8, तो 50 बाय 8 कितना हो जाएगा 6.125 किलो न्यूटन, सो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इन यूट्यूब निकालना है अपने को, ठीक है। बता ये एक टॉपिक है अपने आप में, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई लिक्विड था, लेट्स से कि पहले ये वाला लिक्विड प्रेजेंट था, ठीक है ठीक है, वो कुछ इक्विलिब्रियम में रहे होंगे, बट मैंने क्या किया यहाँ पे दूसरा लिक्विड को लिक्विड भी डाल दिया, ठीक है, दूसरा लिक्विड भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, तो बेसिकली ये वाला वाटर कॉलम कुछ ऊपर चला गया, ये वाला वाटर कॉलम कुछ नहीं, ये वाला जो भी लिक्विड का कॉलम था ऐसे कुछ इनमें कुछ तो गैप आ गया ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली हम इनमें रिलेशन निकाल जाते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम क्या करोगे, सेम लिक्विड में कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल ले लोगे जैसे ये वाला, ठीक है, सेम लिक्विड में कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल ले लोगे जैसे कि ये वाला, तो इसके एक पॉइंट है ये और इसका पॉइंट है बी। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना चाहूँ तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखूंगी, ये पी नॉट प्लस इस वाटर कॉलम का प्रेशर, तो कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट, इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो जाएगा मेरे लिए वो हो जाएगा पी नॉट प्लस ये है अपने पास रो टू है, तो रो टू जी एच टू। अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूंगी तो वो कितना हो जाएगा पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वन जी एच वन, ठीक है। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो अपने पास क्या आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच रो वन जी वन रो वन जी एच वन एंड पी टू प्लस रो टू जी एच टू, वो एक दूसरे के इक्वेट हो जाएंगे, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसका हम अलग अलग क्वेश्चंस में बहुत यूज करते हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा पहले ए वाला भी देख लेते हैं इससे से, अच्छा एक क्वेश्चंस करने से पहले एक ये वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो लिक्विड कॉलम था उसमें हाइट डिफरेंस क्यों आया था, क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट थी दो लिक्विड की। अब हम एक काम से और हाइट डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं, हम क्या करते हैं इसको एक्सिलरेट करा सकते हैं। एक्सिलरेट कराने के बाद बिल्कुल वैसी कंडीशन होगी जैसे हमने पहले पढ़ी थी, तो बेसिकली ये क्या होगा एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना लेगा और ये अपने पास कुछ हाइट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या निकाला था, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी निकाला था, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा ये। और अगर इसमें ट्राइंगल में टेन थीटा देखे तो वो कितना दिखेगा अपने को, एच बाय एल दिखेगा। ट्राइंगल में अगर टेन थीटा देखे तो मुझे वो कितना दिखेगा, एच बाय एल दिखेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी इज इक्वल टू एच बाय एल, ओके। चलो एक क्वेश्चन है अपने पास, अ यूट्यूब विद बोथ एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। वाटर कहाँ पे है, देखो ये वाला है जो वाटर है, ठीक है, एंड ऑयल, दिस इज ऑयल विच आर इमिसिबल, मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं। इट इज पोर ऑन वन साइड अंटिल इट स्टैंड एट अ डिस्टेंस 10 meters अबाउट द वाटर लेवल। सो बेसिकली जो हमारे पास ऑयल जो है वो वाटर से 10 meters ऊपर स्टैंड कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। Meanwhile, the water rises by 65 mm. तो बेसिकली ये वाटर कुछ ऐसे था इनिशियली, ठीक है, और वो 65 राइज अप हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास कंडीशन कुछ कैसी बन गई है, ये ओरिजिनल लेवल ऐसे था तो ये 65 राइज हुआ है, तो बेसिकली ओरिजिनल लेवल कुछ ऐसे था पहले अपने पास, ठीक है।
वाटर का, सपोज ऑयल नहीं था, ऑयल नहीं था तो ओरिजिनल लेवल कुछ ऐसे था अपने पास, ठीक है। अब ऑयल आने के बाद क्या हो गया, ये 65 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, तो बेसिकली ये वाला 65 नीचे गया होगा, तभी तो दूसरी साइड वाला 65 ऊपर गया होगा। तो बेसिकली ये हाइट अगर 65 है तो ये वाली भी 65 mm होने वाली है, ठीक है। और उसने बता रखा है कि वाटर के ऊपर जो ऑयल का जो लेवल है वो कितना है, 10 mm है, ओके। तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाती है, तो मेरे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है। तो बेसिकली मैं एक ये लेवल देख लेती हूँ, कौन सा वाला, ये वाला लेवल देख लेती हूँ। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। अच्छा, प्रेशर एट बी कितना होने वाला है, प्रेशर एट बी होने वाला है बेसिकली एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसको उन्होंने पी ए लिख रखा है, प्लस द प्रेशर ऑफ दिस वाटर, दिस ऑयल कॉलम, ओके। तो दैट इज गोइंग टू बी, अब वो ऑयल कॉलम की लेंथ कितनी है, देखो ये 10, 65 और 65, तो ये लेंथ कितनी हो गई अपने पास, 65 + 65 कितना है, 130। 130 में 10 के तो ये 140 mm हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 140 mm हो गया। तो अगर इस कॉलम का प्रेशर लिखूं तो वो मिलेगा कितना होगा, रो जी इंटू 140 mm, इसको एमएम में रहने दो, चीजें बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इतना तो ज्यादा छेड़छाड़ी मत करो इक्वेशंस को, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर लिखना है तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस वाटर कॉलम का प्रेशर होने वाला है, तो इस वाटर कॉलम का प्रेशर कितना हो जाएगा, अच्छा ये कॉलम कितना हो गया, 65 + 65, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 65 + 65, 130। ये किसका रो है, ये ऑयल का है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, पी ए प्लस रो ऑयल जी 140 इज इक्वल टू पी ए प्लस रो वाटर जी इंटू 130। पी ए से पी ए कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, रो ऑयल इंटू 140 इज इक्वल टू रो वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg/m³ इंटू 130। अब ये क्या है, ये एमएम में था और ये भी एमएम में था, तो ये एमएम एमएम एक दूसरे से एनीवेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें एमएम के बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये सिर्फ kg/m³ में बचेगा, ओके। तो रो ऑयल कितना हो जाएगा अपने पास, 13/14 × 1000, ठीक है, 13/14 × 1000। अच्छा ये 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये टोटल क्वांटिटी 1000 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 13 बाय, अगर ऊपर 14/14 होता तो एग्जैक्टली 1 होता, ठीक है, बट ऊपर थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो 1 से ये टोटल, ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो ये टोटल क्वांटिटी 1000 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और वो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है अपने पास, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ओके। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकंड ना, हम पढ़ते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है। बॉयंट फोर्स पहले तो समझ लेते हैं कि बॉयंट फोर्स होता क्या है और किस वजह से लगता है, ठीक है। अच्छा, आप एक वाटर का कॉलम बनाओ, ठीक है, सपोज ये वाटर एक कंटेनर में लिया आपने, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये वाटर का ही कोई पार्ट है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाटर ही है बट हम उसको अलग से स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वाटर ओनली, ये कोई अलग से सेपरेट चीज नहीं है। अब इस पे हम क्या करते हैं, थोड़े से फोर्सेस की इक्वेशन बनाते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसे प्रेशर फोर्स लग रहा होगा भाई, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, 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 ये सब जगह से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा, और इसके अलावा इसमें एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, ध्यान से देखो जरा, कौन से कलर से बनाए, इस पे एक और फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, इससे खुद का वेट होगा, ये क्या, ऐसा खुद का वेट है, ठीक है। तो जितने भी ये प्रेशर फोर्सेस हैं, प्रेशर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है कुछ तो होगा, क्या वो उसके वेट को एग्जैक्टली बैलेंस आउट कर रहा होगा, रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर फोर्स
बैलेंसेस दी वेट ऑफ द लिक्विड, करेक्ट, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम, वो रुका हुआ है ना भाई इक्विलिब्रियम में उसके अंदर, तो बेसिकली जो रिजल्टेंट और जितना भी प्रेशर फोर्स है वो वेट ऑफ द लिक्विड के को बैलेंस कर रहा होगा। अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है, अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि इस वाले बॉडी को, इस वाले वाटर को है ना, बॉडी नहीं है वाटर ही है, ठीक है, इस वाले वाटर को हमने एज इट इज जैसे बाहर निकाला बाय सम मींस, ठीक है, हमने किसी तरीके से तो उसको बाहर निकाल लिया, और क्या क्या सेम एग्जैक्टली सेम शेप की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, सेम शेप की बॉडी को मैंने यहाँ पे रखा वापस इसी जगह, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप की बॉडी है, ठीक है, तो भाई ये आसपास जो प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं उसको थोड़ी पता है कि बॉडी पहले लिक्विड थी कि भाई बॉडी अभी कोई दूसरी बॉडी हो चुकी है, तो वो तो अभी भी उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना पहले लगा था, और अभी भी उतना ही प्रेशर फोर्स लगेगा जो पहले लग रहा था, तो बेसिकली नई वाटर बॉडी को लिक्विड फोर्स लगाती है, उस पे क्या होता है बॉडी पे लिक्विड अप्लाई फोर्सेस, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रेशर फोर्स बोल रहे हैं। अब ये प्रेशर फोर्स वही होगा जो पहले था जब वहां पे वाटर था, तो ये प्रेशर फोर्स बिल्कुल वही होगा, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जो जैसे पहले था वहां पे, ओके। तो इस केस में पहले कितना फोर्स लगा था, क्या वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर लग रहा था, लिक्विड अप्लाई फोर्सेस जिसको बोलते हैं अपन प्रेशर फोर्स, और ये बिल्कुल उसके बराबर होने वाला है जो कि वेट ऑफ द लिक्विड के है, जो कि वेट ऑफ द लिक्विड है, ठीक है। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारे पास कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, उसमें कोई फ्लूइड का ही पोर्शन ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें चारों तरफ से प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रेशर फोर्सेस होते हैं वो एग्जैक्टली उस वेट ऑफ द लिक्विड को बैलेंस आउट करके रखते हैं, तभी तो वो नीचे नहीं जाता है, वो उधर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहता है, तो जो जितने भी आसपास के चीजें फोर्स लगा रही हैं उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, वो वेट ऑफ द लिक्विड बैलेंस कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं उस वाटर की जगह कोई दूसरे सेम शेप की बॉडी ले आती हूँ, डेंसिटी अलग हो सकती है, सेम शेप की बॉडी लगा ले आती हूँ, तो भाई उस वाटर सराउंडिंग वाटर को थोड़ी पता है कि पहले वहां पे लिक्विड था अभी वहां पे कुछ, वो तो अभी भी उतना ही फोर्स लगाएगी जो पहले लगाती तो जो प्रेशर फोर्स है वो बेसिकली किसको बैलेंस आउट कर रहा है, उसके उसको बॉडी नहीं, जो जो प्रेशर फोर्स है क्या वो अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, पहले कितना लग रहा था वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर लग रहा था, तो अभी भी जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर ही लगेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि अगर किसी दूसरी बॉडी को अगर वाटर में तुम रिप्लेस करते हो, वाटर के अंदर डालते हो, तो उसमें उतना फोर्स लगता है जितना उस बॉडी ने, उस उतने फोर्स लगता है, उतने वेट के बराबर फोर्स लगता है जो कि उस वाटर को जिसने उसने रिप्लेस किया है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही हमारा स्टेटमेंट है। तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स होली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ लॉस ऑफ वेट ड्यू टू द अपवर्ड अपथ्रस्ट कॉल्ड बॉयंट फोर्स, ठीक है। हाय सूरज, हाँ, कोई एक अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स है जिसको बोलते हैं अपन बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है बेसिकली ये जो ब्लू वाले फोर्स है जो कि प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट बेसिकली कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है, और इस रिजल्टेंट को उसके वेट ने बैलेंस आउट कर रखा है, ओके। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली यही बोल रहा है कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड के डिस्प्लेस, इट स्टेज दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज होली और पार्शियली इन अ लिक्विड देन देयर इज सम अपेरेंट लॉस इन द वेट एंड द लॉस इन द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लगने लग गया और वो अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर लगता है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बॉयंट फोर्स। अच्छा बॉयंट फोर्स की वो निकाल लेते हैं, बेसिकली ये कोई बॉडी है जो वाटर लिक्विड में आई है, ठीक है, इसमें बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स बेसिकली होता क्या है, प्रेशर फोर्स के बराबर ही होता है ना, तो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस कितना है, P2 - P1 जो कि रो जी एच है, इधर फोर्स कितना लगेगा, P1 * a लगेगा, इधर की तरफ फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, P2 * a लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, P2 - P1 * a, और P2 - P1 की वैल्यू कितनी है, रो जी एच है इंटू ए, तो अपने पास नेट बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी एच इंटू
या फॉर फोर्स लगने लग जाता है। तो बॉडी का खुद का वेट तो था कुछ पहले, वो तो नीचे लग ही रहा होगा, बट इसमें एक अपथ्रस्ट फोर्स और लगने लग जाएगा जिसकी वजह ये है। तो इतना बेसिकली इतना वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते। इसमें कुछ केसेस हैं, देखो। अगर द बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड विद सम पार्ट इनसाइड एंड रिमेनिंग आउटसाइड, बेसिकली क्या है कि देखो जो हमने जो बॉडी डाली ना उसकी जो डेंसिटी है ना वो तो है अपने पास सिग्मा, और जो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो। लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। अगर अगर हमारे पास बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ये पूरा का पूरा इमर्ज नहीं होगा। बेसिकली लिक्विड ज्यादा भारी, अभी भी बॉडी उतनी ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा इमर्ज नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट इमर्ज होगा, ठीक है ठीक है। और बेसिकली उसमें क्या हो रहा होगा, इस बॉडी का जो वेट है, लेट्स से इस बॉडी का जो वेट है वो किसने बैलेंस आउट कर रहा होगा, इतने बॉयंट फोर्स ने बैलेंस आउट कर रहा होगा, इस लिक्विड के वेट ने बैलेंस आउट कर रखा होगा। क्योंकि हमने जो बॉइंट फोर्स लगता है वो बॉइंट फोर्स लगता है वो क्या लगता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो हमने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया, तो इसके बराबर बॉइंट फोर्स लगा, इतने वेट के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट्स से कि जो वॉल्यूम बाहर है उसको लिखा है वीओ, ठीक है, और जो वॉल्यूम बॉडी की टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है, वी है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितनी है अपने पास, वी है, और जो इनसाइड है वो वी आई है, और जो बाहर है वो वी ओ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसके बॉडी का वेट जो है वो किसने बैलेंस कर रखा है, बॉइंट फोर्स ने। तो इधर बॉडी का वेट लग रहा होगा और इधर की तरफ बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो वेट किसने बैलेंस कर रखा है, बॉइंट फोर्स ने। तो बॉइंट फोर्स होता क्या है, अच्छा वेट होता क्या है, बॉडी की डेंसिटी है इंटू बॉडी का वॉल्यूम। तो बॉडी की डेंसिटी, सॉरी बॉडी की डेंसिटी तो सिग्मा है ना, इंटू बॉडी की वॉल्यूम विच इज वी, ये उसका मास हो गया, इंटू जी। बॉइंट फोर्स कितना होगा, बॉइंट फोर्स होगा इतने लिक्विड के वेट के बराबर, इतने लिक्विड के वेट के बराबर। तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, ये वेट कितना है, वी इंटू आई लिखेंगे ना, इंटू जी, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे इसको तो अपने पास आ जाएगा सिग्मा इंटू वी इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू आई, ओके, रो इंटू वी इंटू आई। तो अपने पास क्या हो गया, वी आई डिवाइड बाई वी, वी आई डिवाइड बाई वी जो हो जाएगा वो सिग्मा बाय रो हो जाएगा, वी आई डिवाइड बाई वी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा बाय रो हो जाएगा, ओके। नाउ ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया, ठीक है। नाउ अगर अपन देखो इसको इन्वर्स कर दो तो वी डिवाइड बाई वी आई कितना हो जाएगा, रो बाय सिग्मा हो जाएगा, उल्टा कर दो इसमें से, एक काम करो वन वन माइनस कर दो दोनों तरफ। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से मुझे वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाय वी नॉट वी ओ इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाय सिग्मा, ओके। तो टोटल वॉल्यूम माइनस आउटसाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बचेगा, इन एक सेकेंड, ये वी आई है बेटा, सॉरी ये मैंने वी ओ लिख दिया यहाँ पे, ये नीचे की तरफ क्या है, वी आई है, ये दिस इज रो बाय सिग्मा, दोनों तरफ वन माइनस कर दो, ठीक है। तब बस कह देगा वी माइनस वी आई डिवाइड बाय वी आई इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा। तो वी माइनस वी आई कितना होता है, वी आउट डिवाइड बाय वी आई इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा बाय सिग्मा, एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये भी होता है, ठीक है। तो आप बेसिकली, आपको इतने सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे एक्सप्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एक एक्सप्रेशन पता है तो दैट इज़ गुड इनफ। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इसको तो आप ईजिली निकाल सकते हो, बाकी इतने एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है अपने उसमें, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा, ठीक है, वो कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा। तो वो जहां पे रखी है बॉडी वो वही रहेगी, ओके। अगर अगर बॉडी, अगर लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सॉरी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो नीचे चल जाएगा, क्योंकि अभी बॉडी ज्यादा हैवी हो गई है तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। तो अगर बॉडी की डेंसिटी कम है तो ऊपर की तरफ फ्लोट करती है,
बॉडी की डेंसिटी अगर बराबर है, ठीक है, तो वो बिल्कुल जहां पे रखते हैं उसको वहीं रहती है, और बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाती है, पूरी की पूरी तरह सिंक हो जाती है। ओके, तो ये तीन केसेस हैं जो याद रखने। अच्छा, तो बेसिकली इससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि लिक्विड्स में क्या होता है कि जो सबसे लाइटर डेंसिटी होती है वो ऊपर होती है और सबसे हैवियर डेंसिटी नीचे की तरफ होती है। अगर हम ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स ले तो सबसे वाला हैवी वाला होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, या लिक्विड्स की मतलब कोई भी बॉडीज अगर ले तो सबसे ज्यादा जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा, और जो लाइटर होगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो ऊपर की तरफ सेटल डाउन होगा। ओके, तो अगर हम इससे देखें तो हमें क्या मिलेगा, अ बीकर इज फिल्ड विद टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स 1 एंड 2 हैविंग डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली। अ सॉलिड बॉल मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 3, बेसिकली रो 3 कौन सा, ये वाला, is dropped into the beaker. It comes in equilibrium position after 2 seconds, after few seconds. Which of the following relations come? मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे heavier होता है वो नीचे की तरफ settle down होता है, और सबसे lighter होता है वो सबसे ऊपर की तरफ settle down होता है. ठीक है? तो जो सबसे नीचे है उसकी density सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे कौन सा है? Row 2 सबसे नीचे है, तो row 2, बीच में कौन सा है? Row 3, और सबसे ऊपर कौन सा है? Row 1. ठीक है? तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? Row 2 is greater than row 3 is greater than row 1. ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा हैवी है वो नीचे सेटल डाउन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 700 केजी मीटर पर मीटर क्यूब, आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 700 केजी मीटर पर मीटर क्यूब इज फ्लोटिंग इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वॉटर इज। ओके, अब बोल रहा है कि बेसिकली ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई है। ठीक है, इसकी डेंसिटी तो वो क्या है, रो कितना है, 1000 है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कितनी है, 700 है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो मुझे पता है कि वो डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा ही करेगा। वो क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज बाहर है, तो बेसिकली पूछ कर रहा है वी आउटसाइड डिवाइड बाय वी इंटू 100, ये चीज पूछ रहा है, ये कितना होगा। लेट्स से कि टोटल वॉल्यूम वी है और ये जो बाहर वाली वॉल्यूम है वो वी नॉट है, तो मुझे क्या करना है, वेट को किससे बैलेंस आउट करना है, बॉयंट फोर्स से, बॉन्ड फोर्स से बैलेंस। तो वेट कितना है इसका, टोटल बॉडी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टोटल बॉडी की वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल बॉडी की डेंसिटी कितनी है, 700 इंटू उसकी वॉल्यूम लेट्स से वी है। बॉन्ड फोर्स, बॉन्ड फोर्स किसके बराबर होता है, इतनी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग होता है, इतनी ही वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वी माइनस वी नॉट, क्योंकि ये वैल्यू वॉल्यूम क्या है, वी माइनस वी नॉट होगी इंटू लिक्विड की वॉल्यूम। तो मैं बस कहता हूँ 7V इज इक्वल टू 10V माइनस 10V नॉट। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10V नॉट इज इक्वल टू 3V। ओके, तो V नॉट अपॉन V जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10/3। ओके, क्या अपने कुछ गड़बड़ कर दी है, वेट ऑफ द क्यूब किसके बराबर है, आइसबर्ग की डेंसिटी 700 है और वाटर की डेंसिटी इतनी है। ठीक है, तो अपन ने लिखा 700 इंटू, ये मैंने वेट के लिखा, तो वैसे इसकी टोटल वॉल्यूम वी है और इसका वेट किस लिखूंगी, 700 के बराबर लिखूंगी, इज इक्वल्स टू इस लिक्विड का वेट, इस लिक्विड का वेट क्या होगा, 1000 इंटू ये वाली वॉल्यूम। ओके, तो 7V इज इक्वल टू 10V माइनस 10V नॉट। ओके, सो 3V इज इक्वल टू 10V नॉट। ओके, तो V नॉट बाय V इज इंटू 100 इज इक्वल टू 10/3। पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये वाली वॉल्यूम ज्यादा है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब आउटसाइड द वॉटर, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द वॉटर। ओके, अगर हम इसको एक बार वापस से देखते हैं, चलो कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी है। लेट्स से कि टोटल वॉल्यूम है वो वी है, लेट्स से कि टोटल जो वॉल्यूम है इसकी किसकी, ये वी है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, 700
इनटू डेंसिटी हो गई और वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम हो जाएगी वी इंटू वी मान लिया मैंने, ठीक है। और अगर बॉयंट फोर्स लिखना है अपने को, बॉयंट फोर्स लिखना है तो वो तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1000 वी माइनस वी नॉट, इतना डिस्प्लेस किया उसने, तो 700 वी इज इक्वल्स टू 1000 वी माइनस वी नॉट, तो 7V इज इक्वल टू 10V माइनस 10V नॉट, तो ये 10V नॉट जो हो जाएगा वो 3V हो जाएगा, तो V नॉट अपॉन V हो जाएगा वो 3/10 हो जाएगा, तो V नॉट अपॉन V इंटू 100 परसेंटेज चेंज निकालना है, तो दैट इज कम्स आउट 3/10 इंटू 100 एंड दिस कम्स आउट टू बी 30%। तो आई थिंक हम कुछ गड़बड़ करते थे, ऑप्शन 3 आंसर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी कि 30%, तो 30% अपना बाहर रहने वाला है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो बेसिकली एक ब्लॉक है और ये वाटर में फ्लोट कर रहा है और इसकी 2/3 वॉल्यूम वाटर के बाहर है, तो मतलब लेट्स से कि टोटल वॉल्यूम वी है, तो ये 2V/3, आई होप आपको विजिबल होगा, ये कितना है, ये वाली वॉल्यूम कितनी है 2V/3, और ये अंदर वाली वॉल्यूम कितनी है, अंदर वाली वॉल्यूम हो जाएगी V/3। ओके, नाउ इफ इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड इट फ्लोट्स विद हाफ ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ द, सॉरी हाँ, तो अगर ये किसी दूसरे, ये तो कितना है, वाटर की बात हो रही है, ठीक है, अगर ये किसी दूसरे लिक्विड में प्लेस किया जाता है तो बेसिकली उस केस में क्या होता है, उस केस में हाफ अंदर रहता है और हाफ बाहर रहता है, तो बेसिकली ये कितना जाएगा, ये वी बाय टू और ये वाला, ये वी बाय टू और ये वाला वी बाय टू। अब ये कौन सा है, ये लिक्विड है, लेट्स से कि वाटर की डेंसिटी को अपन रो मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी को सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी डेंसिटी को अपन मान लेते हैं रो डैश, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज, तो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो अगर किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस लिक्विड की डेंसिटी से हमको वाटर की को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, बेसिकली उस लिक्विड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट वाले केस में देखें, तो फर्स्ट वाले केस में देखें तो मैं इसके पूरे के पूरे वेट को किससे बैलेंस कर दूंगी, इस वाटर के वेट से, क्योंकि वही बॉयंट फोर्स है, तो पूरा का पूरा वेट कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू वी, और वो किससे रिप्लेस हो गया है, रो इंटू वी बाय थ्री से, तो मेरे पास एक चीज आ गई है, सिग्मा इज इक्वल्स टू रो बाय थ्री, सॉरी सिग्मा इज इक्वल्स टू रो बाय थ्री, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है। अगर मैं इस वाले केस में देखूं, इस वाले केस में क्या होगा, क्या मैं ये लिखने चाहती, इसका पूरा का पूरा वेट जो है वो किसने बैलेंस कर रखा है, वी बाय टू इंटू रो डैश ने, लिक्विड के वेट ने के बराबर, ठीक है, तो वी इज इक्वल्स टू रो डैश बाय, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू रो डैश बाय टू, ये बस इक्वेशन टू हो गई है, ठीक है, ये बस इक्वेशन टू हो गई है। तो अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनने वाला है रो बाय थ्री इज इक्वल टू रो डैश बाय टू, तो मेरे पास रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 2/3, तो बेसिकली ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी, तो रो डैश बाय रो क्या है, मेरे पास 2/3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, इज इट क्लियर, दोज आर सिटिंग, इज दिस क्लियर टू यू, ओके आई होप इट इज क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अ मोटर बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, एक मोटर बोट है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, लेट्स से कुछ थोड़ा सा स्क्वायर ही बना लेते हैं, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर है, ये बेसिकली मैंने क्या बनाया, ये नीचे की तरफ वाटर में है, ओके, तो बेसिकली ये वाटर है नीचे की तरफ, ये इतना, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान, इसको अगर देखो तो बोट्स, वो बोल रहा, अच्छा ब्रेथ दे रखी है इसकी, ब्रेथ कौन सी होगी, ये वाली, एक सेकंड रुक जाओ, तो ये कितनी है अपने पास, 5 मीटर है, ठीक है, ये ब्रेथ दे रखी है, ये 5 मीटर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द बोट सिंक्स बाय 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, एक लोड डालने पे, तो एक लोड इसके ऊपर डालेगा, तो बेसिकली हम देखते ना कि अगर लोड डालते तो वोट नीचे की तरफ चल जाती थोड़ी सी, तो लेट्स से कि कितनी नीचे की तरफ चली गई, लेट्स से कि वो 5 सेंटीमीटर नीचे चली गई, तो हम इसको कुछ 5 सेंटीमीटर और नीचे कर देंगे, तो बेसिकली कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली इतना बॉयंट फोर्स अभी एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, पहले तो बॉयंट फोर्स इतना था कुछ, कौन से इसके बराबर, इसके बराबर इतना जो भी नीचे अंदर पानी के अंदर था, बट अभी थोड़ा और नीचे चला गया, तो इतना बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा आ गया। बेसिकली इतना बॉयंट फोर्स एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि उसने नए वेट को बैलेंस आउट किया है, तो जो बेसिकली एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स निकल के आया है, जो मैंने ब्लू लाइन से बना रखा है, ब्लू शेडेड एरिया से बना रखा है, वो किसकी वजह से है, वो न्यू जो एक्स्ट्रा वेट है उसकी वजह से आया है, एक्स्ट्रा वेट जो हमने बोट के अंदर डाला है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे, ये है कितना, ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना देगा, 5 × 10⁻²⁪ मीटर। तो नया वाला जो बॉइंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू 10 × 5 × 5 × 10⁻², क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम गई ना अंदर, ठीक है। तो रो इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा वेट जो हमने डाला है, तो रो कितना होता है वाटर के लिए, 1000 होता है ना, 1000 kg/m³, इंटू ये कितना जाएगा 25 × 250 × 10⁻², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 2500 इज इक्वल टू द वेट। सो बेसिकली इतना kg वेट एक्स्ट्रा डाला गया है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब कुछ फोर्सेस देखते हैं, कोहेशन और एडिशन। बेसिकली थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड वेरी वीक इन गैसेस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, द फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स, करस्पॉन्डिंग दिस फिनोमेना इज नोन एज एडहेशन। अच्छा, आपने देखा होगा आपके घर में फेविकॉल रखी होती है, तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स क्या है, बेसिकली दो सर्फेसेज जो एक जैसी नहीं है, एक दूसरे की जैसी नहीं है, उनको वो जोड़ देता है। तो बेसिकली हमने फेविकॉल लगाया, इधर एक सर्फेस है, इधर एक सर्फेस है, तो फेविकॉल और इस सर्फेस के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, फेविकॉल और इस वाली सर्फेस के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो बेसिकली वो कंबाइंड होगी। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लगते हैं, ठीक है, और जो सेम मॉलिक्यूल्स में लगते हैं वो क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, सेम सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। अब देखो, सॉलिड कंबाइंड रहता है थ्रू आउट, एक साथ सॉलिड थ्रू आउट एक साथ कंबाइंड रहता है, तो इसका क्या मतलब है कि उनमें उसके जो सेम सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अच्छे खासे फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और लिक्विड है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा कंबाइंड नहीं रहता है, क्योंकि वो उसका जो कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक है। और अगर सिमिलरली अगर सेम लाइंस पे अगर गैसेस को देखो तो हमको समझ आएगा कि गैसेस में तो बहुत ही वीक कोहेसिव फोर्स होता है, तभी तो गैसेस बहुत ज्यादा फ्लूइड होती है, इतनी ज्यादा कंबाइंड रहती नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। नाउ बेसिकली अब हम पढ़ते हैं कुछ सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बारे में, उससे पहले कुछ हम डायग्राम्स देख लेते हैं। अगर मैं कोहेसिव फोर्सेस को देखूं इस लिक्विड में, तो जैसे लिक्विड तो कोई एक पार्टिकल है, इसके आसपास के सारे पार्टिकल्स पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, एक इस तरफ से लगा रहा होगा, एक इस तरफ से लगा रहा होगा, एक इस तरफ से लगा रहा होगा, एक इस तरफ से, चारों तरफ से लगा रहे होंगे। अब इसके लिए क्या हो रहा है कि सारे के सारे चारों तरफ से सारे के सारे पार्टिकल फोर्स लगा रहे, इक्वल फोर्स लगा रहे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे, ठीक है। ये किसी क्या है, बल्क के मॉडल मॉलिक्यूल के लिए जो अंदर की तरफ है। अगर हम किसी सरफेस के मॉलिक्यूल को देखें तो इस पे इसके आसपास के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे होंगे, तो कोई फोर्स इधर लगा रहा होगा, एक फोर्स इधर लगा रहा होगा, एक फोर्स इधर लगा रहा होगा, एक इधर, एक कुछ ऐसे, एक कुछ ऐसे, एक कुछ ऐसे, तो इस उप सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो बेसिकली इसको क्या मिलता है, इसको एक नीचे की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। तो बेसिकली सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है, वो ऐसे नीचे की तरफ रिजल्टेंट नीचे की तरफ फोर्स लग जाता है। इसकी वजह से कहते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बन जाती है ऊपर, ठीक है।
होता है क्या, हमारे पास स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाती है और इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से जो सिनेरियो बन रहा है वही बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो बेसिकली अगर कोई सरफेस है, ये टॉप सरफेस दिख रही, टॉप व्यू है ना, अगर आप इसमें कोई वायर रखते हो, ठीक है, अगर आप इसमें कोई वायर रखते हो तो इस वायर या कुछ भी एलिमेंट रखते हो पतला सा, तो इसको बेसिकली इस पे कौन सा फोर्स लगेंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे कुछ कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो वायर कुछ इमर्ज है, लेकिन अगर वो वायर जस्ट टच कर रही है एज ए सिंगल लाइन, जस्ट टच कर रही है एज ए सिंगल लाइन, तो बेसिकली उस पे जो नेट फोर्स लगता है वो लगता है 3 2L, ठीक है। अगर सरफेस पे कोई वायर रखी हुई है, सरफेस कहीं पे भी एक लाइन बना रही है, जैसे लिक्विड का सरफेस है, तो लिक्विड अगर किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो वो जो सिलेंड्रिकल लाइन है चारों तरफ ऐसे, वो जो सिलेंड्रिकल लाइन चारों तरफ, उस उधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा हर पॉइंट पे, तो वो फोर्स किसके बराबर होता है, टी इंटू एल के। टी क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, और एल क्या होता है, उस लाइन की लेंथ होती है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, अ फ्री लिक्विड ड्रॉप्स ट्राइज टू अक्वायर स्फेरिकल शेप टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो पढ़ लिया। सेकंड वाला क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर एक फ्री लिक्विड है, जो कि सपोज कोई वाटर ड्रॉपलेट अर्थ से ड्रॉप हो रहा है, फ्री लिक्विड है, उसके आसपास कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई दूसरा एडहेसिव फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो खुद के कोहेसिव फोर्सेस की वजह से एक स्फेरिकल शेप लेता है। स्फेरिकल शेप क्यों लेता है, क्योंकि अगर एक गिवन वॉल्यूम दे दो, तो अगर उस गिवन वॉल्यूम को इस तरह से उसका क्यूब बनाओ, सिलेंडर बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ, स्फेयर बनाओ, हेमीस्फीयर बनाओ, इनमें से अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस बना पाए, तो वो वाला सरफेस लेगा जिसका सबसे कम सरफेस एरिया होता है। तो इसमें से सेम स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेयर का होता है, तो बेसिकली वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, ओके, क्योंकि अपनी सरफेस एनर्जी को वो मिनिमाइज करना चाहता है, ओके। नाउ अब आप देखो जो ये नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, तो इसको विजुलाइज करना, एक स्क्वायर रिंग टाइप है, मतलब एक स्क्वायर का फ्रेम टाइप है, उसमें क्या है, ऐसे एक फिल्म टाइप बनी हुई है, तो अब वो दोनों तरफ से ओपन सरफेस है, ठीक है, अगर अब वो दोनों तरफ से ओपन सरफेस है, तो अगर देखोगे तुम तो जो एक तो फॉरवर्ड वाली सरफेस और एक बैकवर्ड वाली सरफेस है, फॉरवर्ड वाली सरफेस के अगर ये वाला आर्म देखोगे, तो वो लाइन की लेंथ क्या है, लेट से ए है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है अपने को, ए है, तो वो लाइन की लेंथ है, वो ए है, ऐसे बैकवर्ड सरफेस के लिए भी लाइन की लेंथ ए हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, टी इंटू ए, टी इंटू ए, तो बेसिकली दो लाइंस बन रही होंगी, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, तो टी इंटू ए, और पीछे की तरफ बढ़ रहा होगा वो भी टी इंटू ए, तो टी ए इंटू टू टोटल फोर्स लग रहा होगा, तो यानी टू टी ए, तो बेसिकली एफ वन कितना हो जाएगा, टू टी ए, तो बेसिकली ये भी टू टी ए है और ये भी टू टी ए है, ठीक है। सिमिलर अगर इस वाली स्प्रिंग इधर इस वाली लाइन पर देखोगे, तो इधर कितने किधर फोर्स लग रहा होगा, टी इंटू बी, और बैकवर्ड वाली सर्फेस पे टी इंटू बी लगाएगी तो टू टी इंटू बी, सिमिलरली ये वाला भी टू टी इंटू बी पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। इस तरह से सरफेस टेंशन को हम लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया होता है, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ओके। अगर हाँ, तो बेसिकली अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है, अगर लिक्विड ड्रॉप बनाऊं मैं, तो लिक्विड ड्रॉप के लिए मेरे लिए क्या होता है, एक सेकेंड, अगर कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, तो इसकी कितनी सरफेस है, सरफेस बेसिकली वो होता है जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहां से अपन एयर से अपन यहाँ पे वाटर में गए, तो एक बार मीडियम चेंज होता है, इसकी कितनी सरफेस है, एक है। पर अगर अपन बबल की बात करते हैं, बबल की बात करते हैं, तो बबल कैसा होता है, अंदर से भी खाली होता है, तो बेसिकली हमारे पास जो लिक्विड होता है वो कहीं यहां तक ही होता है, ठीक है, किस रीजन में, एक सेकेंड,
लिक्विड किस रीजन में है मेरे पास, इस रीजन में है मेजरली। ये जो मैंने बबल अपना ऐसे होता है ना, अंदर से भी तो खाली होता है, तो बबल कुछ ऐसा है मेरे पास। मतलब मैंने बहुत बड़ी सरफेस बना दी, पर ऐसे बबल में होती नहीं, बस ये शो करने के लिए बताइए। तो बेसिकली अपने पास क्या होता है, ये एयर होता है, ये अपने पास ये एयर होता है, ये कोई लिक्विड है और ये अंदर वापस से एयर है। तो इसमें दो सरफेस है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब ये दो सरफेसेस इतनी पास पास होती है कि दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगर तुम इस वाले केस में, पहले वाले केस में अगर सरफेस एनर्जी लिखोगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे कितनी सरफेस है, एक ही सरफेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एयर से वाटर में गए और कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सरफेस एनर्जी होगी वो टेंशन इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस है। बट क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 और हो जाएगा, क्योंकि दो सरफेसेस के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखा, बबल में कितना होता है, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और सॉरी ड्रॉप में कितना था, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बबल में कितना था, ट्वाइस ऑफ टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। अ थिन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स द वेट ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स वेट इज नेग्लिजिबल, द टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो बेसिकली ये है जो नेग्लिजिबल वेट की है, कौन, दिस वन, ठीक है। अगर इस पे इसके FBD बनाओगे तो इधर इस पे W इधर की तरफ लग रहा होगा और T इंटू एल प्लस T इंटू एल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी दो सर्फेसेज है, एक तो फ्रंट साइड वाली और एक बैक साइड वाली। तो अपने पास वेट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ T इंटू एल। ओके, तो अपने पास T हो जाएगा W डिवाइड बाय 2L। तो W कितना आपने लिए, 1.5 × 10⁻², डिवाइड बाय 2L, 2 × 30 × 10⁻², ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, नाउ दिस इज 15 / 2 × 10⁻³, तो दिस इज 1/2, सो दिस इज 1/4 / 10, तो 0.025। सो आंसर वुड कम आउट टू बी ऑप्शन वन। ओके, आंसर वुड कम आउट टू बी ऑप्शन वन, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब होता क्या है, बेसिकली हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े थे, कोहेसिव एंड एडहेसिव। एक सेकेंड, हमने दो थोड़े कोहेसिव एंड एडहेसिव। अब देखो, वैसे लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड लिक्विड में जो फोर्स लगता है वो होता है कोहेसिव, और लिक्विड और कंटेनर के बीच में जो लगता है वो क्या लगता है, एडहेसिव, ठीक है, ये तो हमें पता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए कि सपोज कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और ये कोई कंटेनर है, तो इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, एडहेसिव। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव होता है, तो क्या होगा, बेसिकली ये लिक्विड ऊपर चढ़ना चाहेगा ऐसे, क्योंकि ये लिक्विड, क्योंकि बेसिकली इस मॉलिक्यूल्स पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम है इन कंपेरिजन जो एडहेसिव फोर्स जो कंटेनर लगा रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि एक एडहेसिव फोर्स इसमें से ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो हमारे पास होता क्या है, बेसिकली एक लिक्विड ऐसी शेप ले लेता है चारों तरफ से। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर में रखा है, सॉरी स्फेरिकल कंटेनर में रखा है, तो वैसे ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। और जब हमारे पास ऐसा केस होता है कि जब हमारे पास कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस होते हैं, तो बेसिकली लिक्विड मॉलिक्यूल्स के आपस का फोर्स बड़ा है, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के आपस का फोर्स बड़ा, तो वो कैसे बेसिकली कैसे शेप ले लेगा, ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे दो मेनिस्कस बन जाते, तो मेनिस्कस कैसा है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फोर्सेस। ओके, तो अब हमारे पास चीज होती है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड
तो बेसिकली अगर मेरे पास मेनिस्कस ऐसा बन गया है तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? एंगल बिटवीन सॉलिड सर्फेस इन साइड द लिक्विड, बेसिकली सॉलिड सर्फेस इन साइड द लिक्विड ये, एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट द लिक्विड सर्फेस, एंड टेंजेंट ड्रॉन एट द लिक्विड सर्फेस ये, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया. अगर दूसरे, अगर हम इसको ऐसे देखें, सॉरी बहुत गंदा मैंने इसका बन गया है, इस पर इसको देखते, अगर ऐसे अगर देखें तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? पहले तो सरफेस इनसाइड द लिक्विड ये हो जाएगा, और टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा. तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इस वाले केस में एक्चुअली एक्यूट एंगल होता है, इस वाले केस, दूसरे वाले केस में एक्चुअली ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारे लिए, ठीक है? तो हम इस भी लाइन पे आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं. ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमने समझ लिया. अच्छा ये पहले आ रहा था बेसिकली. अच्छा हमने एक चीज़ पढ़ी सरफेस टेंशन, ठीक है? हमने एक चीज़ पढ़ी सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पढ़ी थी. सरफेस एनर्जी क्या होती है? टेंशन इंटू एरिया, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसको इसके हम आगे क्वेश्चन करने वाले, तो ये कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है? इसको ज़्यादा, वैसे आई विल प्रोवाइड यू दिस, बट ये लग, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल. अच्छा आपको पता ना कि एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ फोर्स लगा रहा है, ये बात पता है? सपोज हमारे हमारे वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है. आपको डॉक्टर बनने वाले तो इतना पता होगा कि जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेसिकली प्रेशर एग्जर्ट करता है. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो इस इंटरनल प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी ऐसे रप्चर हो जाती. तो बेसिकली हमारी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट करके रख रहा है, ठीक है? तो सपोज कोई बबल ने शेप ली है तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट कौन कर रहा है? तो बेसिकली अंदर की तरफ एक एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है? उसका डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? उसका डेरिवेशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं. हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली अगर बबल ने कोई शेप लिया तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अपने इंटरनल प्रेशर को कैसे बैलेंस आउट कर रहा है, ठीक है? कैसे बैलेंस आउट कर रहा है? बेसिकली इंटरनली एक एक्सेस प्रेशर डेवलप हो गया. तो जब हमारे पास लिक्विड ड्रॉप होती है, मतलब अंदर भी लिक्विड भरा होता है, तो मैंने बताया था उस केस में एक ही सरफेस होती है. तो उस केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है बेसिकली यहाँ पे देखोगे प्री इंटरनल माइनस प्री आउटसाइड इज इक्वल टू 2t/r, और ये पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 4t/r, ठीक है? तो बेसिकली जब एक सरफेस होती है तो एक्सेस प्रेशर बेसिकली इंटरनल माइनस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सटर्नल प्रेशर एक्सेस प्रेशर है, और यहाँ पे भी इंटरनल माइनस एक्सटर्नल जो है वो एक्सेस प्रेशर है. तो डेल्टा पी क्या होता है? सिंगल सरफेस केस में 2t/r और डबल सरफेस केस में 4t/r. हमारे पास एक ऐसा भी केस होता है थर्ड वाला, जहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ लिक्विड है और अंदर बबल है. तो यहाँ पे सरफेस कितनी हुई? यहाँ पे सरफेस एक ही हुई है, क्योंकि पहली बार यहाँ से लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड है और अंदर जा रहे हैं तो एयर है, तो एक ही बार मीडियम चेंज हुआ है. लिक्विड से हम एयर में एक ही बार गए हैं, तो इसमें कितनी सर्फेसेज है? 1 सर्फेसेज है. तो उस केस में कितना होता है एक्सेस प्रेशर? 2t/r. तो अगर एक सर्फेस होती है तो 2t/r, अगर दो सर्फेस होती है एक्सेस प्रेशर तो 4t/r. ओके, आई होप ये हमने सबने पढ़ रखा है और ये सब क्लियर भी अभी, तो इसको समझ लेते हैं. अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर डी ब्रेक्स इनटू 27 टाइनी ड्रॉप्स, ठीक है? एक लिक्विड ड्रॉप है डायमीटर डी की, तो इसका रेडियस लिख देते हैं d/2, ठीक है? और ये 27 ड्रॉप से बन गई है, मैं सारी तो नहीं ड्रॉ कर रही, बस इसका डायमीटर लिख देते हैं स्मॉल d/2, ठीक है? बस स्मॉल डी का डायमीटर, तो उनका रेडियस कितना होगा? d/2. तो रिजल्टेंट चेंज इन द एनर्जी, ठीक है? रिजल्टेंट चेंज एनर्जी में कितना होने वाला है? तो मैं देखूंगी कि भाई इसकी जितनी वॉल्यूम थी वो इन 27 वॉल्यूम्स के बराबर है, इसकी जितनी टोटल वॉल्यूम थी वो 27 वॉल्यूम्स के बराबर है. तो उस केस में लिखते हैं अपन 4/3 pi कैपिटल d/3 इज इक्वल टू 27 ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? d/2 whole cube इज इक्वल टू 27 d/2 whole cube. तो अपने पास क्या जाएगा? क्यूब रूट ले लो, तो d/2 इज इक्वल टू 3 d/2, तो d हो जाएगा 3 d, तो स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल d/3, ठीक है? स्मॉल d की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल d/3. तो रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी निकालना है. रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे?
रिजल्टेंट चेंज इन एनर्जी। तो मेरे पास 27 एक बड़ी बॉल थी, ठीक है, और 27 छोटी 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 बॉल्स आ गई, ठीक है। तो बेसिकली चेंज इन एनर्जी कितना होता है, बेसिकली एनर्जी कितनी होती है, टेंशन इंटू एरिया होता है। और यहाँ पे फाइनल एरिया कितना देगा, 27 इंटू 4πr2। अच्छा तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी बाय थ्री। तो 27 इंटू 4π कैपिटल डी बाय थ्री इंटू 2 स्क्वायर। ओके सो देखो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा अपने पास पाई डी स्क्वायर। और यहाँ पे कितना जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे 9 बचेगा और ये ऊपर कितना है 27 है, तो ये कितना जाएगा, 27 को 9 से डिवाइड करते 3। सो बेसिकली 3πd2। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियल एनर्जी हो गई पाई डी स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन, और फाइनल एनर्जी हो गई वो गई 3πd2 इंटू सरफेस टेंशन। तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, 2πd2 इंटू सरफेस टेंशन। तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कुछ आंसर है, तो 2πd2 इंटू सरफेस टेंशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर इज P1। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ सेम रेडियस जस्ट आउटसाइड द सर्फेस इज P2। ओके द एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल, अच्छा कोई एयर बबल है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होता है एयर बबल के अंदर, एयर बबल की दो सर्फेसेस होती है, याद रखना। तो एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 40 बाय आर, ठीक है। तो ये एक्सेस प्रेशर, इसको P1 बोला है। और अगर वाटर ड्रॉप के इनसाइड की बात हो रही है तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है P2, वो कितना होता है, 2T/R। तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2/1। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ P2 इज इक्वल टू P1, तो ट्वाइस ऑफ P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है, ट्वाइस ऑफ P2 इज इक्वल टू P1, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ओके आई थिंक दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ये हमने समझ लिया था, इसको एक बार के लिए ये हमने समझ लिया था किस तरह से कौन मेनिस्कस बनता है हमारा। ओके अब हमारे पास क्या होता है, देखो अगर दो बबल्स है, ठीक है, लेट्स से ये R1 रेडियस का बबल है और ये R2 रेडियस का बबल है, अगर ये वैक्यूम में मिलते हैं, ये अभी के लिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन का हमारे पास इतना समय नहीं है रिविजन क्लास में। अगर ये वैक्यूम में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, वैक्यूम में एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट जो बनता है उसका लेट्स से स्मॉल आर रेडियस बनता है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का हमारा रिलेशन है। वाइल हमारे पास अगर कोई R1 है और एक कोई R2 है और ये बनाते हैं अपने पास कंबाइंड होके बड़ा बबल बनाते हैं, और यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, एटमोसफियर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में होता है 1/R1 = 1/R2 - 1/R1। इन दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। कंबाइंड जो बबल होता है उनका रेडियस कैसे निकालना है, तो जब वैक्यूम में कंबाइंड हो रहा है तो R² = R1² + R2², और जब ये किसी एटमॉस्फेयर में कंबाइंड हो तो 1/R = 1/R2 - 1/R1। ओके इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, इस एक क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अ सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अनदर सोप बबल हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर। इफ द टू बबल्स कोलेसेक अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, वैक्यूम है बेसिकली आप ना आइसोथर्मल कंडीशन में, देन द रेडियस ऑफ द न्यू बबल, तो वैक्यूम वाले केस में क्या होता है, R² = R1² + R2², तो यानी कि 3² + 4² यानी कि 9 + 16 यानी कि 25। तो R कितना होता है, √25, R की वैल्यू है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके वैक्यूम वाले केस में। अब दूसरा क्वेश्चन है, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 ऑफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक R1 है 4 सेंटीमीटर और R2 है कितना, 5 सेंटीमीटर है। अब वो कंबाइंड कर रहे हैं अंडर प्रेशर, ठीक है, मतलब किसी एटमॉस्फेयर में कंबाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में कितना था, 1/R = 1/R2 - 1/R1। अब बेसिकली ये वाला बड़ा लेते हैं अपन, ठीक है, बेसिकली ये वाली क्वांटिटी बड़ी होती ना, तो बेसिकली R2 छोटा होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में हम इधर को हम लिख सकते हैं
20 आएगा, 5 - 4 यानी कि 1/20, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं. ओके, बेसिकली एक हाँ कैपिलर रिएक्शन पढ़ लेते हैं. मैंने बताया था कि जो मेनिस्कस होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, करेक्ट. कैपिलरी क्या होती है हमारे पास, बेसिकली बहुत ही थिन पाइप, बहुत थिन होती है, मतलब बिल्कुल मिलीमीटर का इनका रेडियस होता है, ठीक है, नॉट इवन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा इनका रेडियस होता है. 1 सेंटीमीटर तो मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बता दी, मिलीमीटर्स में इनका रेडियस होता है बेसिकली, ठीक है. तो बेसिकली उसमें क्या होता है, मेनिस्कस बनने की वजह से अगर तुम लिक्विड को यहां तक भी फिल करते हो तो ये ऊपर की तरफ फिल हो जाता है, ठीक है, लेट्स से एच हाइट तक चल जाता है. तो वहां पे हमको क्वेश्चन पूछता है एच हाइट निकालने का, ठीक है. तो एच हाइट होते 2t / cos θ / ρgr. टी क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, और थीटा क्या होता है अपने पास, थीटा जो होता है वो कॉन्टेक्ट एंगल होता है. रो डेंसिटी जी 9.8 या 10 जो भी हम लेते हैं, और आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी. ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन है, इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस बाय 1.2 mm, ठीक है. वाटर कितनी हाइट है, 1.2 mm है. द हाइट ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी हैविंग द हाफ ऑफ द रेडियस. मैंने बताया था कि एच जो होता है वो 2t cos θ / ρgr होता है. तो हाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स हाइट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है. तो मेरे पास h1/h2 है वो r2/r1 होता है, ठीक है. तो r2 क्या है, पहले वाले रेडियस का हाफ होता है डिवाइड बाय r, तो 1/2. तो h1/h2 इज इक्वल टू 1/2. तो h1 आ जाएगा, सॉरी h1 की वैल्यू कितनी, 1.2. H2 is equals to 1/2. तो H2 की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो कितनी जाएगी, 2.4. H2 की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आती है अपने पास निकल के आती है 2.4 mm. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज याद है तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है. डेरिवेशन में अभी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो. स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, बेसिकली आप देखोगे कि अगर कोई नदी बहुत शांत तरीके से बह रही है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो है, उसमें बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ज्यादा पत्थर नहीं है, ज्यादा उसमें उफान नहीं आ रखा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो बोल रहे हैं. और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर भाव है और ऐसे वाटर उछल रहा है, देयर आर स्प्लैशेस, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं. ये हमारी लेमन लैंग्वेज की टर्म हो गई. अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखें तो हम कैसे बोलेंगे, अगर वाटर बेसिकली बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो एक जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पीछे वाला वाटर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो कर रहा है जो उसके आगे वाला वाटर मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो बेसिकली सब एक साथ पीछे, मतलब जो पार्टिकल है वो अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करते 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 आराम से आगे जा रहा है. टर्बुलेंट फ्लो क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल ऐसे के बट इसको कुछ ऑब्स्टिकल मिल गया तो ये कुछ ऐसे ऊपर ऐसे मूव करने लग गया. तो टर्बुलेंट फ्लो क्या हो रहा है, उसमें अगर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है. आपने देखा जब बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है तो फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है. नाउ एक सेकेंड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है. एंड टर्बुलेंट फ्लो होता है अबव अ सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड बिकम अनस्टेडी, दिस इररेगुलर फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है वाटर फ्लो की तो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हमें मिलने लग जाता है, ठीक है. ओके, एक सेकेंड, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोल रहे हैं, बेसिकली जब लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी ट्यूब से तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट हमने जो लिक्विड लिया है वो क्या लिया, इनकम्प्रेसिबल लिया है, आइडियल लिक्विड लिया, तो वो कंप्रेस नहीं होता है. तो बेसिकली अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है, बहुत कम है. तो अगर इसमें किसी टी टाइम में जितना मास इधर से एंटर करता है उतना ही टी टाइम में मास इतना निकलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो बेसिकली मास यहाँ पे इकट्ठा होना जाएगा, बेसिकली लिक्विड को कंप्रेस होना पड़ेगा उस मास को एडजस्ट करने के लिए. तो वो तो हम
केस ले नहीं रहे, हम कौन से ले रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स ले रहे हैं, आइडियल लिक्विड्स जो होते हैं। तो जितना मास इधर से एंटर किया है उतना ही मास उधर से निकलता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है बड़ा वाला, ये डी टी टाइम में वी डी टी लेंथ अंदर चल जाती है पूरी की पूरी, इतना मास का मास अंदर चल जाता है, तो ये लेंथ कितनी है, ये वी डी टी है, ओके। अगर तुम देखोगे तो कितनी वॉल्यूम अंदर गई, वॉल्यूम जो अंदर गई वो कितनी होगी, वी इंटू डी टी हो गई, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा रो इंटू वी डी टी, ठीक है, रो इंटू वी डी टी। और डी टी टाइम में इधर से कितनी वो बाहर निकली है, अच्छा एक सेकेंड, वी डी टी अपन ने लिख दिया, ये तो लेंथ हो गई ना, ये लेंथ हो गई है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। लेट्स से ए वन क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्मॉल ए वन लिख रखा है यहाँ पे, भाई कितनी लिक्विड की लेंथ अंदर गई है, लिक्विड की जो लेंथ गई है वो वी डी टी लेंथ अंदर गई है, क्योंकि वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो डी टी टाइम में वो वी डी टी लेंथ अंदर चल जाएगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए वन है तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वी डी टी इंटू ए वन, तो यहाँ पे भी ए वन आ जाएगा। यहाँ पे कितना होता है, अगर ये छोटा सा कोई एरिया है तो टी टाइम में कितना है, वी टू डी टी लेंथ है, ये वी वन हो जाएगा, वी टू डी टी लेंथ अंदर चल जाएगी, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी वी टू डी टी इंटू एरिया, तो मास कितना हो जाएगा, रो इंटू वी टू डी टी इंटू एरिया। तो बेसिकली जितना मास एंटर किया उतना एग्जिट करा, तो रो वी वन डी टी इंटू ए वन इज इक्वल टू रो वी टू डी टी इंटू ए टू, तो वी वन ए वन इज इक्वल टू वी टू ए टू, तो वी वन ए वन इज इक्वल टू वी टू ए टू। तो यही अपने पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल है, तो सब जगह दोनों तरफ डेंसिटी रो एंड रो है, हमने दोनों तरफ डेंसिटी सेम ही लिया, इसमें भी ऐसे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये किस चीज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, क्योंकि मास कहीं गायब नहीं होगा, जितना मास अंदर गया है उतना ही मास बाहर निकलेगा, ओके। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब एट द एंट्रेंस एंड द एग्जिट पॉइंट्स आर 5:4, ठीक है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। तो मैंने क्या पढ़ा, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ठीक है। तो उसने बोला है रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन, अच्छा ए वन कितना होता है पाई आर वन स्क्वायर, और ए टू कितना होता है पाई आर टू स्क्वायर, तो ए वन अपॉन ए टू कितना हो जाएगा आर टू स्क्वायर, सॉरी आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू बाय वी वन, तो v2 by v1 जो हो जाएगा मेरे पास 5 by 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 by 16, तो v1 upon v2 कितना हो जाएगा, v1 upon v2 16 divided by 25 हो जाएगा, तो 16 divided by 25 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, द लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ कोन शेप पाइप, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, द वेलोसिटी इज High at the wider, अच्छा देखो हमने क्या लिखा था, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, तो जिसका एरिया बड़ा है उधर वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और जिसका एरिया छोटा है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज हाई एट द वाइडर एंड, नहीं वाइडर एंड पर तो वेलोसिटी कम है, द वेलोसिटी इज लो एट द वाइडर एंड, वाइड एंड हाई एट द नैरो एंड, यस द वेलोसिटी इज सेम बोथ एंड, नहीं द लिक्विड फ्लोज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द पाइप, नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। नाउ बेसिकली ए वी क्या है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, बेसिकली ए इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम। बेसिकली अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर उसमें वी वेलोसिटी से वाटर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास जो चीज़ हो जाएगी ये वी टी हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा, तो अपने पास वॉल्यूम जो हो जाएगी वो होती है अपने पास ए इंटू वी डी टी, तो मास जो होता है अपने पास रो ए वी डी टी, तो डी एम बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो ए वी, तो रो ए वी क्या है, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है, ठीक है। इट इज द वाटर कनेक्शन इज मेड इन अ कॉलोनी फॉर द मेन वाटर सप्लाई प्लांट, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द प्लांट विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया 17, आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉलोनी इट इज डिवाइडेड इनटू ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। तो अब ए वन ए टू ए थ्री देख लेते हैं कौन कौन से, ये तो ये है यहाँ पे 10, ये 10 है, ये 20 है और ये 40 है, ओके।
तो ये एरिया कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गया। नाउ तो इसमें से और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दे रखी है, तो ए वन से कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इधर से कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इधर से ए थ्री से कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर से कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मेन पाइप? तो आपने देखा कि जितना मास इधर से एंटर किया है वो कंबाइंड मास इससे 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 और इस चैनल से बाहर गया है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जितना रेट ऑफ एंटर ऑफ मास है उतना ही रेट ऑफ एग्जिट ऑफ मास है? तो रो ए वन सॉरी रो ए इंटू वी, कैपिटल ए इंटू वी लिख रही हूँ, ठीक है, जिससे वेलोसिटी वी है, इज इक्वल टू रो ए वन वी वन प्लस रो ए टू वी टू प्लस रो ए थ्री वी थ्री प्लस रो ए फोर वी फोर, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। तो मैं कहती हूँ रो ए इज इक्वल टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ए फोर वी फोर, तो ये 70 इंटू वी जो कि मुझे निकालना है इज इक्वल टू 10 इंटू फाइव प्लस 10 इंटू फाइव प्लस 20 इंटू टू प्लस 40 इंटू वन, सो दिस कम्स आउट टू बी 50 प्लस 50 यानी कि 100, देन 40 प्लस 40 यानी कि 180, तो 180, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपने पास? वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास 180 डिवाइड बाय 70 यानी कि 18/17, तो 2 point something आ जाएगा। तो 2 point something कितना है? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ जाते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल सुन लो, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, यह क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है यहाँ पे अगर, ठीक है, तो कोई दो पॉइंट है, लेट्स से कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, तो मतलब पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी, ये कॉन्स्टेंट है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एन इंजन पंप्स द वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होस, वाटर लीव्स द होस विद वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो बेसिकली m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू l, तो कैपिटल m इंटू m इंटू l, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये टोटल मास होता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ कैपिटल m इंटू v स्क्वायर यानी कि हाफ m इंटू l इंटू v स्क्वायर, तो d के बाई dt क्या हो जाएगा? d बाई dt ऑफ हाफ m l इंटू v स्क्वायर। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें m कांस्टेंट और v कांस्टेंट और हाफ कांस्टेंट, तो हाफ m v स्क्वायर dl बाई dt। अच्छा dl बाई dt क्या होता है? v होता है, तो ये अपने पास टोटल क्या बच जाएगा? हाफ m v क्यूब। काइनेटिक एनर्जी का रेट क्या है? हाफ एम वी क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाउ आई एम सॉरी, एक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है, इसमें 3 फॉर्मूले जो डायरेक्टली याद रखने। अगर हम किसी कोई कंटेनर अगर हमारे पास है और हम उसके एक साइड में अगर ऐसे होल्ड कर देते हैं, अगर हम इसके एक साइड में होल्ड कर देते हैं तो वाटर ऐसे बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, और वाटर किसी वेलोसिटी से आता है, किसी डिस्टेंस पे जाके गिरता है, तो वो जिस वेलोसिटी से बाहर निकल के आता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, दैट इज रूट टू जी एच, दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस। ये रूट टू जी एच कब होता है? जब ए बहुत स्मॉल होता है, बट अगर ए जब बहुत स्मॉल नहीं, मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत स्मॉल होता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत स्मॉल नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितनी होती है? रूट टू जी ए रूट ओवर ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, ओके, वेयर कैपिटल ए इज दिस एरिया, ये कैपिटल ए एरिया है और ये स्मॉल ए एरिया है, ठीक है, एक कैपिटल ए का एरिया और एक स्मॉल ए का एरिया। तो बेसिकली रूट टू जी एच रूट टू जी एच रूट ओवर ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर,
ओके नाउ टाइम टेकन बाय वाटर लेवल टू फॉल फ्रॉम एच वन टू एच टू. सपोज इनिशियली उसकी कुछ हाइट लेवल था, लेट्स से कोई हाइट लेवल था एच वन था, और वो किसी दूसरे हाइट लेवल पे फॉल होता है, लेट्स से कि कुछ एच टू है, तो उसको जो टाइम लगता है वो कितना था, ए डिवाइड बाई ए रूट टू जी बाई ए माइनस रूट एच वन माइनस रूट एच टू. ओके ये फॉर्मूले से याद रख लो, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको पीडीएफ से, बस अभी के लिए याद रख लो. ठीक है तो ए ओवर ए, आई होप आप नोटबुक में लिख रहे हैं, ऐसे थाली नहीं बैठे हुए आराम से बैठ के लिख रहे हैं. तो ए बाय ए रूट टू ओवर रूट टू रूट ओवर टू बाय जी ब्रैकेट में रूट एच वन माइनस रूट एच टू. रूट एच वन एच टू कंबाइन नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखना है, रूट एच वन को अलग लिखना है और फिर माइनस करना है रूट एच टू. ओके अगर फुल टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो मतलब बेसिकली एच वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच हो जाएगी, और एच टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो बेसिकली यहाँ पे कितना देगा, रूट एच माइनस जीरो. तो टाइम किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, रूट एच के प्रोपोर्शन हो जाएगा. तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि रूट एच के प्रोपोर्शन हो जाएगा. ये तीनों फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस. ओके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. टैंक कंटेनिंग लिक्विड हैज ऑरिफिस इन वन वर्टिकल साइड. ठीक है उसके एक वर्टिकल साइड में एक ऑरिफिस है, इफ द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस इज 19.6 मीटर बिलो द सरफेस लेवल. ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे एक ये 19.6 है. ठीक है सरफेस लेवल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज. वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज कितनी होती है, रूट टू जी एच होती है, मैंने बताया स्मॉल होल के लिए. तो दैट इज 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6. So this is 19.6 into 19.6. This comes out to be 19.6. So this is option A. Okay. So this is option B. I think this is clear. Next question dekhte hain. A tank is filled with water up to height H. Okay. फिर वो H2 कुछ उसको T1 time लगा H से लेके H by 2 तक, और फिर H by 2 से लेके यहाँ तक कुछ T2 time लगा. तो उन दोनों टाइम का रेशियो निकालना है. ओके तो टाइम कितना लगता है, ए बाय ए रूट टू ओवर जी रूट एच वन माइनस रूट एच टू. तो टी वन किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, टी वन तो बेसिकली मुझे ये सब तो कांस्टेंट ही है. ठीक है ये सब तो कांस्टेंट है. तो टी किस चीज के प्रोपोर्शन होता है, टी जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है रूट एच वन माइनस रूट एच टू के. तो टी वन कितना हो जाएगा, टी वन जो हो जाएगा वो मेरे लिए एच माइनस एच बाय टू और के प्रोपोर्शन हो जाएगा, और टी टू किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, एच बाय टू माइनस जीरो के. तो बस टी वन अपॉन टी टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच माइनस एच बाय टू डिवाइड बाय रूट एच बाय टू माइनस जीरो. तो एक काम करो इसको वन माइनस वन अपॉन रूट टू डिवाइड बाय वन अपॉन रूट टू, ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट टू माइनस वन डिवाइड बाय वन. तो एच टी वन अपॉन टी टू कितना जाएगा, रूट टू माइनस वन डिवाइड बाय वन. तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ऑप्शन सी. ओके आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड. एक बेटा होता है रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है, इसको डायरेक्ट याद कर लो अभी के लिए. वो कहता था रो इंटू वी इंटू डी डिवाइड बाय एन. ठीक है नाउ रो इज द डेंसिटी, वी इज द वेलोसिटी, नीटा इज द विस्कस कॉन्स्टेंट. ओके नाउ अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और 3000 से ज्यादा होते टर्बुलेंट फ्लो होता है, और 2000 से 3000 के बीच में तो अनस्टेबल होता है, और 2000 होते तो क्रिटिकल फ्लो होता है. मतलब क्रिटिकल फ्लो मतलब 2000 से जस्ट डिस्टरबेंस स्टार्ट होते हैं, और 2000 से 3000 तक डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, और 3000 के बाद तो वो क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है. तो डायरेक्ट वैल्यू रो वी डी एनी टाइम सबकी वैल्यू दी होती है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होता है, निकालने के बाद तुम स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो निकाल सकते हो. ओके ना हमारे पास हाँ तो बेटा नीटा क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, हमने पढ़ रखा है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके दो जैसे लिक्विड्स होता है वो लेयर की फॉर्म में फ्लो होता है, तो ऐसे बहुत सारे लेयर्स फ्लो होते हैं, तो जो दो लेयर होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और वो जो फ्रिक्शन होता है उसके लिए कॉन्स्टेंट होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. तो दोनों लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है माइनस नीटा ए डीवी बाई डी टी. ठीक है
माइनस नीटा ए डी वी बाई डी टी. ईटा तो क्या है अपने पास, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. ए ए ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है. और डी वी बाई डी टी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट है. मतलब वर्टिकली जब हम मूव करते हैं तो पर यूनिट लेंथ कितना हमारा वेलोसिटी का चेंज आता है डी वी बाई डी टी, तो वही हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है. ओके, जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ होती है, ग्राउंड के साथ चिपकी होती है, तो हम उसको जीरो वेलोसिटी पे मानते हैं. और टॉप मोस्ट लेयर कुछ फ्लो हो रही थी किसी वेलोसिटी से, तो अगर इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, इनकी वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी ऐसे धीरे 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 करके बढ़ती है. ओके, ये फ्लूइड एट रेस्ट होता है और ये फ्लूइड मूव कर रहा होता है. ओके, ये हमारे पास दो लेयर्स के बीच में विस्कस ड्रैग होता है. एक होता है हमारे पास स्टोक्स लॉ. अब वो स्टोक्स लॉ में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास कोई फ्लूइड है अगर, और वो किसी अगर स्मॉल आर रेडियस का है, और स्मॉल आर रेडियस का एक स्फेरिकल बॉल है, और उसको नीचे किसी वी वेलोसिटी से जा रही है, तो बेसिकली उस पर ऐसा नहीं होता कि वो आराम से नीचे चल जाएगी, उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है, खुद का वेट लगता है, बट ऊपर की तरफ एक विस्कस ड्रैग भी लग रहा होता है. और जो विस्कस ड्रैग जो होता है वो होता है 6 pi eta rv, जहाँ ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल एंड वी इज द वेलोसिटी. ओके, अब होता क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस आउट कर लेता है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, और नेट फोर्स जीरो होने के वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी. उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, 2/9 r² g/eta σ − ρ. अब सिग्मा क्या है, इस बॉल की डेंसिटी, और रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है, और वो कुछ इस तरीके से हो जाती है. ओके, अगर इस vt का अगर तुम वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ, ये कुछ ऐसा होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी होती है. ओके, तो अगर किसी जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया, तो पहले तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेल वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, पर फिर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से विस्कस ड्रैग भी बढ़ जाता है, और वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाती है. अगर हमने तो किसी वी वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो वो बेसिकली वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, कम होते होते वो एक वैल्यू अटेन कर लेगी जो कि टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है. एक क्वेश्चन है अपने पास, 10 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, 10 ड्रॉप्स है रो डेंसिटी के, रेडियस आर, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉलो रही 12 cm/s. द 8 out of the 10 drop coalesce to form a single drop. The terminal velocity of the new drop will be. तो इसी पे 8 फॉर्म कर रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली देखो, जब हमारा रेडियस आर होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी 12 होती है. तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, पहले तो ये देख लेते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो पहले तो रेडियस आर था, अभी 8 ड्रॉप्स मिल गई है, तो 8 × 4/3 π r³ = 4/3 π R³, क्योंकि वो 8 ड्रॉप्स मिल गए, कैपिटल आर की बड़ी बॉल वो बना ली है, तो बेसिकली यहाँ से 2r = r हो जाएगा. ठीक है, तो जब रेडियस r था तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी, 12 थी, और रेडियस 2r हो गया, तो लेट्स से टर्मिनल वेलोसिटी कुछ होगी, वो निकालनी है. तो vt इनिशियल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी 12 थी जब रेडियस r था, और कुछ अभी v डैश हो जाएगी, तो वो 2r के प्रोपोर्शनल हो जाएगी. तो 12 / v′ = 1/4, तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी, एक सेकेंड, the terminal velocity of the new drop. बेटा 48 होगा, मैंने मल्टीप्लीकेशन गलत कर दिया, 48 m/s. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. ओके, आई होप दिस लेसन वॉज यूजफुल. हमने बहुत सी चीजें, बहुत बड़ा चैप्टर है, हमने इसलिए सारी चीजों को कंबाइन करते हुए पढ़ा है, और सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए, इसके बाहर कोई फॉर्मूला नहीं है. आर यू जस्ट रिवाइज दिस, कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर PYQs एंड थिंग्स वुड बी बेटर. ओके, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम्स. ओके, थैंक यू.